तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और खबरों में विस्तार से बात करेंगे अब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया में अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेबोने से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे मकाम इजाहिद और शहीद स्मारक का भी दौरा करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के दौरे पर रहेंगी। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी उनकी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता है। अफ्रीकी संघ को एक वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अल्जीरिया में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत हैं। भारतीय लोग भविष्य में अल्जीरिया के साथ साझेदारी के लिए तैयारी है। अल्जीरिया ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत है। ऐसे तो हम लोगों के राजदूत है, लेकिन आप भी एक एक राजदूत का ही काम कर रहे हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर हमारी प्राचीन भूमि के मूल्यों और संस्कृति को समटे हुए हैं। जो भी आप किसी अल्जीरियाई व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसका परिचय भारत की भावना से करते हैं। आपका संस्कृति, आपके चाल चलन, चेहरा, भावना भारतीयता में भरे हुए है। इसके साथ ही अल्जीरिया में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे संबंध अल्जीरिया के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहां था। तब से राजनीतिक संबंध कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया। हमारे नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट को अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष के प्रमुख सदस्यों में से एक था। का कार्यकाल 1950 के दशक में अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में ही स्थित था। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का साथ देने के लिए मौजूद था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंधों में कई गुना वृद्धि हुई है।